नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आज के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। गोरखपुर में रसोई गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अनूठे ढंग से प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहने रसोई गैस का सिलेंडर कबाड़ की दुकान पर बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ते हुए गैस सिलेंडर रेट को लेकर गैस सिलेंडर को कबाड़ की दुकान पर बेचते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनवर हुसैन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अगर गैस सिलेंडर के दाम इस तरह बढ़ता रहा तो हमें अपना सिलेंडर कबाड़ की दुकान पर बेचने को हम लोग मजबूर होंगे। क्या मामला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारी जो सरकार है वो आम लोगों को और गरीबों की समर्पित सरकार है, लेकिन वो लगातार जब से प्राइम मिनिस्टर बने विदेश में तेल के और रसोई गैस के दाम सस्ते हुए और भारत में बढ़ते गए। आज आलम यह है कि रसोई गैस के दाम 900 के पार हो गए। उन्होंने उज्ज्वला योजना दे के गरीबों को मुफ्त में गैस दिया, लेकिन उसमें भी एक झोल था, मुफ्त कहे थे लेकिन वो है लोन पे। और आज जो आम आदमी है जिसको ये कहते हैं आम आदमी भी रसोई गैस पे खाना बनाएगा, महिलाएं चूंकि लकड़ी पे खाना बनाती हैं तो उनको तमाम तरह की बीमारियां होती हैं धुएं से, तो अब फिर अब वो वही प्रथा फिर ये स्टार्ट कर दी है। 145 रुपये के करीब रसोई गैस के दाम 12 बजे रात में बढ़ा रहे हैं। तो इस नाते आज हम लोग काम ये किए हैं कि मोदी जी का मुखौटा हो, मोदी जी खरीद रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया, रेलवे सब कुछ बेच दिए और आज वो सिलेंडर खरीद रहे हैं। आज हम लोग ये सिलेंडर बेच के अब हम लोग लकड़ी खरीदेंगे क्योंकि अब रसोई गैस पे तो खाना हम लोग पका नहीं पाएंगे। तो कुल मिला जुला के मोदी सरकार को हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार आप आम लोगों की समर्पित सरकार आपने कही थी है, अब आप ये तय करिए कि आम के हैं कि खास हैं, क्योंकि आप रसोई गैस का जो टेंडर है जो तेल का है वो अपने मित्र अडानी अंबानी को दे दिया है। तो कुल मिला जुला के जनता का बहुत बुरा हाल है, सब कुछ महंगा हो गया है।